जय भीम दोस्तों, जिसकी जिंदगी गरीबी और गरीबी से भी ज्यादा भेदभाव और छुआछूत के दलदल में धंसी रही, उस शख्स ने अपने कौशल और ज्ञान से भारत का नया भविष्य लिख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को पड़ती है। बाबा साहब ने भारत का एक ऐसा संविधान लिखा जिसने इस देश को राष्ट्र बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतना खूबसूरत संविधान मिल सकता था? अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या उन दलितों को मनुष्य बनने का अधिकार मिल पाता जिनके साय से भी लोगों को छूत का पाप लग जाता था? अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या देश का एक बड़ा तबका उपेक्षा वंचना से निकलकर अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ पाता? डॉक्टर अंबेडकर का होना भारत के बेहतर भविष्य की गारंटी थी। लेकिन फिर 1956 में 6 दिसंबर की वह तारीख आई जिसमें हिंदुस्तान का शोक समाया हुआ था। उसी दिन बाबा साहेब अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उनकी यादें और प्रासंगिकता जस की तस कायम है, बल्कि कहिए कि और बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि यह जो सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के हैं, वह हर एक नब को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हम सबको अपने जीवन में निजी रूप से अपनाना चाहिए। और हर रोज हमारी दिनचर्या जो होती है उसमें कई तरह से इन सिद्धांतों को हम अपना सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। यही नहीं कि केवल वकील न्यायपालिका है, इसका पालन कर सकते हैं, हर एक को करना चाहिए। जब भी विषमता के खिलाफ संघर्ष की आवाज उठती है तो कुछ नामों को दुनिया बड़ी शिद्दत से याद करती है। उनमें अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग आते हैं, जिन्होंने अमेरिका में अश्वेत को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन आते हैं, जिन्होंने इंसान को गुलाम समझने वाली सोच को कानून से खत्म किया। इसके लिए उन्हें गोलियां खानी पड़ी। उनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी आते हैं, जो अंग्रेजों की गोरी हुकूमत के खिलाफ गांधीवादी तरीके से लड़कर अश्वेतों के लिए आजादी की सुनहरी सुबह लेकर आए। इसलिए जब मैं बाबा साहेब अंबेडकर को याद करता हूं तो उनके जहन में मार्टिन लूथर किंग भी जाते हैं और नेल्सन मंडेला भी। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहेब अंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। आजादी के वक्त जब तय हुआ कि भारत का नया संविधान बनेगा तो सवाल उठा कि कौन बनाएगा संविधान। तब गांधी ने कहा कि अंबेडकर है ना, उस डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों की गुलामी से मुक्ति पाने वाले हिंदुस्तान के लिए ऐसा संविधान बनाया जिसमें दलितों आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को वोट का अधिकार मिला और उनमें महिलाओं को भी वह सारे अधिकार मिले जो कभी पुरुषों तक सीमित होते थे। इसलिए बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर पूरी दुनिया उनको बड़ी शिद्दत से याद करती है। महू से मैनहट्टन तक, नागपुर से न्यू जर्सी तक, हिंदुस्तान में भी सड़क से संसद तक, तभी तो संसद में बाबा साहेब अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर पक्ष पक्ष से परे उठकर सभी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक आम आदमी तक, जिसकी आंखों में बाबा साहेब के प्रति एहसान का भाव साफ दिखता है, उनकी उपलब्धियों में छुपे हिंदुस्तान के भविष्य की तरफ आज पूरा देश देख रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में दलित परिवार में हुआ था। पीने के पानी से लेकर जिंदगी की और जरूरतों तक पग पग पर अपमान की भट्टी में उनको जलना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी दलितों के हक और हितों के लिए वह लगातार लड़ते रहे। उनकी कोशिशों से ही समाज के एक बड़े तबके को मर्यादा की जिंदगी मिली। 75 साल पहले भारत के साथ ही आजाद हुए कई देशों से लोकतंत्र का चिराग बुझ गया, लेकिन हिंदुस्तान में यह दीपक जल रहा है तो इस दिए में तेल का काम करता है। भारत का संविधान, उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर का रास्ता आसान नहीं था। 1946 में जब यह तय हो गया कि आजादी मिलने वाली है तो सवाल उठा। संविधान का उसे बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर पर आई। अब ऐसा कोई आदमी आप ढूंढेंगे दुनिया में कि जिसने 1913 से लेकर 1923 तक, समझ लीजिए 4 से 5 साल में, 5 डिग्री हासिल की, MA, PhD, DSSC, MSSC और बैरिस्टर ऑनर्स लॉ। मई 1947 की बात है, संविधान सभा के सामने ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना मसौदा रखा, अंबेडकर प्रीमल द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की किताब में आकाश सिंह राठौर ने लिखा है,
संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। वहीं कमेटी के सदस्य कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ए कृष्ण स्वामी अय्यर, स्वामी आयंगर, माधव राव और टीटी कृष्णा कृष्णमाचारी। लेकिन इनमें से एक सदस्य बीमार हो गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक विदेश में थे, एक ने बीच में इस्तीफा दे दिया और एक सदस्य आए ही नहीं। इसके बाद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने करीब 100 दिनों तक संविधान सभा में खड़े होकर सदस्यों को संविधान के पूरे ड्राफ्ट को धैर्यपूर्वक समझाया और हर एक सुझाव पर चर्चा की। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें भेदभाव के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं दी। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातना झेली अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो यह पूरी संभावना होती। वह हम जैसा अगर मनुष्य होता तो वो कटुता, वो जहर कहीं ना कहीं प्रकट होता। बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन यह बाबा साहेब आम्बेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा की ताकत को भांप चुके थे, इसीलिए बचपन में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1907 में 10वीं करने के बाद तत्कालीन बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्हें पीएचडी की उपाधि भी मिली। डॉक्टर अंबेडकर जिस महर जाति से आते थे उसका उत्पीड़न उन्होंने खुद भी भोगा, इसीलिए कहीं चुपचाप जिंदगी बसर करने की जगह उन्होंने सारे दलितों की आवाज उठाने का फैसला लिया। वो गूंज 1929 में सुनाई पड़ी जब सतारा के एक तालाब में पानी पीकर उन्होंने भेदभाव के खिलाफ पहला शंखनाद किया। दलितों के सवाल पर ही महात्मा गांधी से भी उनकी राजनीतिक दूरियां बढ़ती गई। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए चुनाव में अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद दबाव में आकर डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा और दोनों नेताओं के बीच 1932 में पुनः पैक्ट हुआ। हालांकि पुनः पैक्ट का फास कभी बाबा साहेब के दिल से गया नहीं, लेकिन संविधान बनाते हुए वह धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर काम करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर समय से काफी आगे थे। विरोध और मतभेदों के बावजूद उनकी क्षमता को गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता था। गांधी के जोर देने पर ही डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार में कानून मंत्री बने थे, लेकिन वह रिश्ता लंबे समय तक चला नहीं। 1950 में देश को संविधान मिल गया, लेकिन उस साल तक भारत अपने 2 बड़े नेताओं महात्मा गांधी और सरदार पटेल को खो चुका था। कोट बिल पर नेहरू से डॉक्टर अंबेडकर का मतभेद इतना बड़ा कि 1951 में उन्होंने सरकार से ही इस्तीफा दे दिया। 1951 से 52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो अंबेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़े। उनके खिलाफ नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अंबेडकर के ही निजी सहायक रहे नारायण काजरोलकर को खड़ा किया, परंतु बाबा साहब उस समय चुनाव हार गए। डॉक्टर अंबेडकर दोबारा लड़े लेकिन फिर हार गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था कि भारत के जिस लाल ने संविधान बनाया, जो सबसे योग्य था, सबसे पढ़ा लिखा था, संवेदनशील और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितों का रक्षक था, उसके लिए संसद का दरवाजा खुल ही नहीं पाया। लेकिन 70 वर्षों की दूरी पर आज दुनिया उस अंबेडकर की शख्सियत में अपना भविष्य देख रही है। तभी तो कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के मैरीलैंड में अंबेडकर की एक आदमकद प्रतिमा लगी, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। दुनिया के हर हिस्से में दबे कुचले लोगों की वैचारिक नुमाइंदगी डॉक्टर अंबेडकर आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान जैसा भी हो, वह अच्छा या बुरा, इस बात से तय होगा कि उसे कौन लोग अमल में ला रहे हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि भारतीय संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज जो 5000 साल की तरह तरह की गैर बराबरी को खत्म कर एक समान समाज का सपना देता है। डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो शायद संविधान में यह क्रांतिकारी तत्व ना होता। संविधान के पवित्र पन्नों से गुजरते हुए हिंदुस्तान आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने के रास्ते पर है। भारत के इस संविधान को बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का पालन भारत को राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाएगा।
इसीलिए वह संविधान बनाते समय धर्म या जाति से टकराने वाले नेता की तरह नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश आते थे। वह अछूतों के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन बगैर किसी कड़वाहट के उनकी चिंता के केंद्र में जाति या समूह नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत था। इसीलिए वह संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर जोर देते रहे। इसका विस्तार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए उनके आखिरी भाषण में दिखा कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। संविधान बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे ना। अंबेडकर जी की विशेषज्ञता लॉ की थी और वह कानून को भी जानते थे, समाज को भी जानते थे, तो यह विशेष रूप से यह काम उनको सौंपा गया कि वह भारत का एक संविधान बनाए और उनकी जो जो समझदारी थी, उनका जो अध्ययन था, उनका जो ज्ञान था, उन सब कारणों से उनको उनके यह काम सौंपा गया। अंबेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में पेश किया। समानता के सिद्धांत को मजबूत करने की इच्छा और इच्छा शक्ति से ही आरक्षण का सिद्धांत निकला। डॉक्टर अंबेडकर की कामना थी कि दलितों और आदिवासियों के लिए अवसरों का रास्ता खोला जाए, जिसको संविधान सभा में बैठे नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद जैसे नेताओं का खुला समर्थन मिला। इसीलिए तब अनुसूचित जाति को 15 और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और कमाल देखिए कि बगैर खून खराबे के हिंदुस्तान सामाजिक राजनीतिक बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। बाबा साहेब के बनाए संविधान की बदौलत आज हम सिर ऊंचा करके जी रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।